कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया। आज हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। कृषि घाटे का सौदा नहीं बल्कि लाखों लोगों के आजीविका और रोजगार का साधन बनकर उभर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिक पैदावार के लिए बहुत से किसान आज कीटनाशकों का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिससे एक तरफ उनकी जमीनें बंजर होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर के लाभ कम और नुकसान ज्यादा हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ भूजल, मिट्टी, मित्र कीटों, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। यही कारण है कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को कम करने का आग्रह स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूँ, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी माँ है, भारत माता की जय। बोलते ही हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है, वंदे मातरम बोलते ही इस धरती माँ के लिए खप जाने की प्रेरणा मिलती है, एक दीर्घकालीन इतिहास हमारे सामने आता है। लेकिन क्या कभी हमने इस धरती माँ के स्वास्थ्य की चिंता की है? हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। इस माँ के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती माँ को तबाह करने का हक नहीं है। मेरी धरती माँ को दुखी करने का हक नहीं है। मेरी धरती माँ को बीमार बना देने का हक नहीं है। वैसे बता दें कि केमिकल फर्टिलाइजर का विकल्प हमारे घर में ही मौजूद है। जी हाँ, गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है। इसके कई लाभ हैं, जैसे मिट्टी की सेहत में सुधार, अधिक पैदावार, पौष्टिक पैदावार, पैसों की बचत, पर्यावरण के लिए लाभकारी, मित्र कीटों की संख्या बढ़ाने में सहायक आदि। चलिए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से गीले कचरे से आप खाद बना सकते हैं। गीले कचरे को अलग करें। सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखें। फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कॉफी और चाय पत्ती जैसे किचन के कचरे को बाद में किसी बाल्टी, ड्रम या मिट्टी के गमले आदि में डालें। अब इसमें सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके जैसे सूखे कचरे को इकट्ठा करके मिलाएं। इससे गीले कचरे में नमी बनी रहेगी। सूक्ष्म जीव मिलाएं। इस कचरे को लाभकारी बनाने के लिए इसमें सूक्ष्म जीव मिलाएं। ऐसा करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिला सकते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करें। इस मिश्रण में ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। ऑक्सीजन होने से इसमें बदबू नहीं आएगी और कीड़े भी नहीं पनपेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई हेतु या तो आप अपने डिब्बे में छोटे छोटे छिद्र कर सकते हैं, या फिर हर 4 दिन में इस मिश्रण को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेयर बनाएं। इस तरह से 40 से 45 दिनों में गीले कचरे से खाद बन सकती है। आपको बस किचन का कचरा इसमें मिलाते रहना है और ध्यान देना है कि ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से हो रहा है या नहीं। मिश्रण बहुत ज्यादा गीला लगे तो इसमें सूखी पत्तियां मिला सकते हैं। इस तरह से गीले कचरे का उपयोग कर आप जहां एक तरफ पैदावार बढ़ा सकते हैं, वहीं पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में हर किसी को गीले कचरे से बनने वाले खाद के प्रति जागरूक करें। गीले कचरे को उपयोगी बनाएं, स्वस्थ जीवन को अपनाएं।